तो इसमें उनके सब के देखते देखते मेरी बेटी का यहाँ पे आग लगी, उसे गरम गरम लग गया, तो उसने देखा था, रहने बोली पापा मेरे बाड़ों में भी आग लग गई। अच्छा, ऐसे ऐसे पहले हमारे कुछ कुछ आना शुरू हुआ था मकान में टोटके का। अच्छा हाँ, कभी ऊपर से। हरियाणा स्टार देखने वाले सारे दर्शकों ने मिठू को बनाई राम राम भाई। भाई हाल फिलहाल मौजूद है जज्जर के मांडोठी गाँव में, और मांडोठी गाँव में एक भाई अजीब घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि भाई ये घर है, इस घर में अचानक कहीं भी आग लग जाती है, मतलब कोई सामान धरया है उसमें लाग गया है, जैसे कोई बिजली का सामान उसमें लाग गया। और बताया जा रहा है कि जो घर में आदमी उनमें भी आग लाग जा भाई। एक बता रहे कि गुड़िया है उसमें भी लाग गई थी उसके पाया में कल, और भाई घनिए मीडिया आ ली यहाँ पे, और आपने भी सारी बात बताऊँगा लगातार बताऊँ, 3 दिन हो गए कि कहीं आग लग जा है, किसी सामान में भी लाग जा है। तो हमने खुद देखा है कि कट्टे वगैरह रखे हैं उनमें भी भाई अपने आप आग लग रही है, कट्टे में जैसे तूड़ा है, तूड़ा जल नहीं रहा, ऊपर तक कट्टा कट्टा जल रहा है। ये बाप ने दिखावाएंगे भीतर चाल के अगर सारी घटना क्यूकर घटी थी। अरे देख सारे गाँव के जो आदमी अंदर खड़े हैं, ए छोटे भाई छोटे बच्चे दूर हो जाओ भाई, इस तरह कैमरे मत आइयो, थोड़ा बतावा है अगर यो घर है भाई। इस घर में शुरुआत हुई थी लागनी, और जो इससे पिछला घर है ऊपर पर लागर दिखा भाई एक बार नु बताओ, उस घर में भी अचानक आग लग जाए कितो। और ये बात करवावेंगे जिसका यो घर है, आंटी जी है। नमस्कार आंटी जी। नमस्कार जी। सबसे पहला डिटेल में बताओ कि शुरू में के घटना घटी थी, क्यूकर होया जी? हमारे शुरू में हुई थी 15 दिन पहले हमारे कुछ कुछ आना शुरू हुआ था मकान में टोटके का। अच्छा हाँ, कभी ऊपर से आ जाता है, कभी चावल आ गए, कभी गुड़ आ गया, कभी और कुछ आ गया, पतासे आ गए, लौंग वगैरह, नारियल वगैरह, कील पतासे की कील वगैरह जी। ऊपर की रुखाड़ करी तो जी गाड़ में शुरू कर दिया, गली में से रुखाड़ करी तो ऊपर चुबारे से शुरू कर दिया, कहीं मेरी छत पर कुछ रख जाते, कभी कहीं पर कुछ रख जाते। मन खूब एक हफ्ता रुखाड़ करी जी, मेरे से कोई सबूत नहीं मिला मेरे को। अच्छा, उससे हमें संतुष्टि रही। मैं मतलब वैसा समाता था उसके कूड़े में डाल के भगा जाती, और जो वैसे होता मैं पानी के द्वारा बहा देती। उससे हमारा किसी से कुछ नहीं बिगड़ा, तो किसी ने ये करना शुरू कराया कि इनका आग लगानी शुरू कर दो। अच्छा जी, ये नहीं पता ऊपर तो लगी, जब हमने ये सोचा कि अभी कोई उतर कर लगा गया होगा। अच्छा, मतलब ऊपर आग लग गई जब किसे सामान में लग रही थी ऊपर चढ़े जब? हाँ, सामान था मेरा जी घर बरता, उस सारा ही सामान दे रहा था, जैसे कूलर है, फ्रिज है, घर की जितनी फालतू चीज थी हरदम ना चाहने की, वे मेरी तकरीबन ऊपर पूरे भरे चुबारे में। सर पे अपना एक खाली बेड बेड उठा के ले गई हूँ कल यहाँ से, और मेरा कुछ नहीं बचा उसमें से। अच्छा, मतलब जो ऊपर जो चुबारा उसमें आग लग गई और उसमें कुछ भी नहीं बचा, जैसे कूलर हो या फ्रिज हो या जो सारी चीज थी राख होगी। हाँ, छोटी मोटी जितनी मतलब तकरीबन सामान दे रहा था मेरा को 50,000 का सामान दे रहा था। एक वो जगह है जो वह पूरी भरी थी मेरी। अच्छा, बताओ है कि लगातार 3 दिन हो गए जो आग लग गए हैं? हाँ, लगातार 3 दिन हो गए जी। ऊपर अटैक हुआ था तब नहीं, किसी ने लगा दी, हमें सिंदूर कोई बात नहीं कर हो गया भाई की कोई दुश्मन है जड़ा उसमें लगा गया जी। चाणचक अगले दिन दुर्घटना है, सुबह 7 बजे के करीब इन पड़ोसिया के ये काम कर गए थे, 7 बजे के करीब के इनके तूड़े के कट्टों में आग लगी। उससे वो थी कोई गलती, वो कर रहा था अगला चाह रहा था हमारे करना, लेकिन वो चली गई वहाँ पे। उनके होने के बाद तीसरा अटैक हमारे यहाँ पे है, जो कि मेरे भैंसों का चारा रखा था उसमें स्टार्टिंग हुआ, हमने देखा बुझाई करी, फिर मेरे भैंसों की जो खड़बाखर बिनोड़े हैं उसमें लगनी शुरू हुई। वहाँ से देखी तो जी मेरे फिर अंदर मकान है जो, उसमें अंदर मेरे कमरा है, उसमें जो मेरे पैर ने उड़ने के, मेरे बच्चों के, मेरे सूटकेस बक्सा वगैरह जो भी सामान रखा था, थैली मैं उसमें रखा था, बैग वैग में सब जड़ के राख हो गया जी। वो बुझाई तो उससे 2 मिनट बाद में, जिस तरह हम अपनी देख रेख रखते हैं इतने तो कुछ नहीं होता, थोड़ा सा भी मतलब ढील दे ही, कोई भी जगह खाली करी उसी पर जब धुआं उठ जाता, मतलब आग लग सामान रखा वहीं पर लग जाओ, वहीं पर आग लग जाती है। अच्छा, एक बार ऊपर चल लेंगे आप, चलो जी एक बार दिखाओ वो कमरा दिखावांगे भाई आपने, वो चुबारा जिसमें बतावा कि शुरू में आग लगी थी वो आपने एक डिटेल देवांगे। देखो भाई यो सामान रखा है सारा राख हो गया भाई कति, ये बतावा है कि ना कहना है कि जो इनके घर में आप कह सकें भाई टोना टोट का जो कह घर है देसी भाषा में वो कराया गया है, इन्हें कहना कि ऊपर तक जैसे चावल आ जा जैसे और भी घने सामान हो गए टोने टोटके के, तो वो है बताया है। कमरा देख भाई एक बार आगे भीतर देखो भाई, कमरा देखो कति
सारा जल गया। अरे पंखा दिखा भाई, पंखे की तीनों जो पंखड़ी हो मुस्का नीचा आ गई भाई। एक उस तम लगा इसका हाँक भाई, ऊपर आग लगी है कि फिटिंग में भी आग लग जाए भाई। इस तो भी हम अंदाजा लगा इसका कि फिटिंग में आग लगी हो भाई, और सामान जल भी गया हूँ। पर इनका बताना कि लगातार तीन दिन तक लगातार आग लगन लग रही है और कहीं भी लग जा है। आंटी जी एक बात और सुनने मारी थी, जो घर में जैसे आप हो, जैसे आपकी बच्ची है या उनके उनके भी आग लगी बताइए। हाँ मेरी लड़की है, मेरे देवर की लड़की है, इसके माँ बाप नहीं है, इसको मैं ही रख रही हूँ, इसका देखभाल मैं ही कर रही हूँ। और ये करीब 5:30 के करीब ये मेरी तो तबीयत ठीक नहीं थी, हमारे दादाजी हो रहे थे, मैं तो डाउन हो रही थी, कोई कोई बैठा था मेरे पास, मैं नहीं जाने पाई। लेकिन मेरी लड़की बोली कि मम्मी मैं गोबर डाल आती हूँ, आप यहीं बैठे रहो। मेरी लड़की जैसे गोबर डालने जाती है तो जैसा वो गितवाड़ा है गोबर पले पाथने का होता है, वहाँ पे चलते चलते मेरी बेटी का इतना जंपर में आग लग जाती है। घर तक गई खेत में, मतलब प्लाट में गोबर पत्थर गई, दौड़ लगी आग। हाँ इतने जंपर में आग लगी। और जैसे कि मेरी लड़की स्टोल ओढ़ के जा रही थी मेरे वाला, उससे अपना कपड़ा ऐसे कवर करके आई वो अपना शरीर। फिर घर के आते ही उसके पापा बोले कि बेटा चाय बना ले थोड़ी सी, क्योंकि पापा ने चाय वो बना कर वो अपने पापा को देने के लिए ही आई थी, निकली थी। इतने यहाँ पे मेरी बच्ची के बालों में आग लग गई। अच्छा मतलब बालों में भी आग लगी। और कपड़े बदल गए, देखते देखते परिवार वाले सभी बैठे थे, जैसे चाचा ताऊ हैं, बुआ बार सब रिश्तेदार भी आ रहे थे हमारे वगैरह वगैरह। तो इसमें उनके सभी के देखते देखते मेरी बेटी के यहाँ पे आग लगी, उसे गर्म गर्म लग गया। तो उसने देखा था, नहीं बोले पापा मेरे बालों में भी बाल आग लग गई। ऐसे ऐसे हादसे हुए हमारे साथ। अगर सबसे पहला इस कमरे में आग लगी। हाँ सर, पहले दिन कहाँ पर लगी थी आगे? पहले दिन इस चुबारे में लगी थी। हाँ अच्छा जी। फिर उसके बाद किस तरह हैंडल करा आपने? कोई बुलाया जो तांत्रिक वांत्रिक? ना कोई नहीं बुलाया जी, हमने पुलिस में रिपोर्ट करी थी। पुलिस ने कहा था भाई आप जिस पे भी कोई शक है कोई भी है उस पर, लेकिन हम प्रूफ के बिना कुछ सबूत नहीं दे सके, नियम किसी को कुछ बता सके, और सबके द्वारा किसी पे इंजाम नहीं लगाया जा सकता। नहीं किसी को पहले दिन तो जैसे ये हुआ कि ऊपर आग लग गई भाई, किसी पड़ोसी ने या किसी ने रंजिश में लगा दी हो, ये समझ कर रह गए। लेकिन अगले दिन जब हमारे मतलब पाँच पाँच मिनट में अटैक हुई है गन में, पहले दिन तो को 8 या 9 अटैक हुई है परसों वाले दिन, और कल में पूरे 7 अटैक हुई हमारे साथ। अच्छा मतलब पूरे दिन, काल दूसरा दिन था, आज भी कुछ होया है? आज कुछ नहीं जी, कल शाम हमने सामान उठा लिया, गांव वाले मतलब पंचायत सरपंच और मेरा परिवार है जो भी, सब ने बोले भाई आप आज तो सामान में लग रही है, कल तुम में लग जाए, फिर हम क्या करेंगे, अपने सामान को निकालो जी। मैं कल से यहाँ से मैं सामान लेके जा रही हूँ, थोड़ा कुछ मेरा यहाँ रखा भी है, उसमें आज बिल्कुल से कोई दिक्कत नहीं है। मतलब लगातार तीन दिन हो गए भाई, बुधवार तक बतावा, बुधवार और शनिवार हो गया, आज कुछ होया नहीं है, कल सामान उठा दिया गया था शाम को। और भाई यह सप्ताह अजीब घटना है आज, जो कि आज तक हमने सुनी है कि सामान कद खर भाई लाग भी जा आगे, जैसे फिटिंग का है इसका चल अंदाजा लगा लिया था पहले दिन का, चल भाई किसी ने पड़ोसी ने लगा दी हो या कुछ वैसे भी लगी हो, दूसरे दिन भी बताया गया भाई, फिर दूसरे दिन आदमियों लगने लगी, तीसरे दिन भी भाई, फिर कल सामान उठा दिया गया है। तो भाई इसकी और आगे अपडेट मिलती रहेंगी आपने बतावांगे, तो आप इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। इसी के साथ जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय गौ माता।